तो अभी बज रहा है सुबह के 6:30 हो रहा है और मुझे किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा है स्टेशन, और कुछ काम है वहाँ पे, एक टिकट का कैंसिल कराना है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। वैसे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और अभी का सीन कुछ ऐसा ही है और आज का भी तो कुछ प्लान नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या आज का प्लान बनता है और क्या करते हैं। जैसा होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं पहले स्टेशन पे, जो स्टेशन पे काम है उसको पहले करते हैं, वहाँ पूछताछ इंक्वायरी पर पता करते हैं थोड़ा सा कि टिकट कैंसिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कह रहे हैं कि 8 बजे काउंटर खुलेगा तब जाके टिकट कैंसिल होगा। अभी बज रहा है 7 बज गया, तुरंत काउंटर खुल गया, फॉर्म तो मिल गया है। अब चलो जल्दी जल्दी इसको भरते हैं, उसके बाद से फिर कैंसिल कराते हैं। देखते हैं कैसे ये काउंटर के पास में चिपके हुए हैं, थोड़ा भी दूरी नहीं बनाए हैं। अभी देखो सारांश क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? क्या बॉल खेल रहा है? कहाँ है बॉल? सारांश का एक फेवरेट गाना आया है आजकल भाई। दोस्तों आज मेरे घर पे बना है डोसा, सांभर, चटनी। आज तो बहुत मस्त आइटम बना है। आप बताओ कमेंट पर क्या चल रहा है। जैसा है कि मैं जा रहा हूँ जिला अस्पताल पे, और आज तो सुबह सुबह में बहुत ही दुखद घटना सुनने को मिल गया। बहुत करीबी मित्र था जिसके रात में ही डेथ हो गया है। तो बहुत ही दुखद घटना है, इस वजह से बहुत मन टेंशन में था, कहीं गए भी नहीं आ जाऊँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिला अस्पताल पे, कुछ काम है तो चलो चलते हैं पहले। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम आ रहे हैं फिजियोथेरेपी करा के सारांश का। तो अभी हॉस्पिटल से गए थे, हॉस्पिटल से आए थे, उसके बाद से फिर फिजियोथेरेपी के लिए इनको लेके चले आए हैं। और अभी फिजियोथेरेपी करा के बज रहा है 7:30, तो अब घर जो है जा रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल का सीन तो यही है, आगे देखते हैं। शाम के बज रहा है 8 और इस समय बलिया रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा ऐसा है, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। दोस्तों ऐसी स्थिति हो जाएगी, किसी को पता नहीं था कि आज की स्थिति बहुत ही दर्दनाक हो गई है। सुबह में भी आपको बताए थे कि हादसा हो गया है दोस्त के साथ, और उसके बाद से अभी भी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। हैरान तो हम तब थे जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल पे गए, और हॉस्पिटल पे जाने के बाद वहाँ पे जब हमें पता चला कि 100 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए एम्बुलेंस वाले जो चार्ज कर रहे हैं 12,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और बिना ऑक्सीजन लगाए हुए, ऑक्सीजन लगता है तो एम्बुलेंस का चार्ज समझिए कि 8 से 9 हज़ार रुपये और बढ़ जाएगा। तो ये स्थितियाँ हैं, समझ जाइए कि अब इसमें किसका क्या किया जाए, कि क्या ऐसी परिस्थिति में भी लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का, कि ऐसा उन लोगों का रेट ही चलता है शुरू से। क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक बार कानपुर गया था एम्बुलेंस लेके, 500 किलोमीटर की दूरी जो है 12,000 में तय किए थे, और आज 100 किलोमीटर की दूरी 12,000 में तय कर रहे हैं। तो मैंने कानपुर के जब रेट पूछा तो बता रहे हैं कि 35,000 रुपया। रात का काम कूड़ा फेंकना। इस गाने पर कैसे बाबू सीटी मारता है? अच्छा ऐसे सीटी, सलमान खान कैसे सीटी मारता है बाबू? ऐसे सीटी मारता है सलमान खान, अरे वाह भाई वाह, सीटी मार सीटी मार सीटी मार। यार बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज तो सारांश सीटी मार पे खूब गाना पे मौज किया है, खूब मस्ती किया है, बहुत आनंद आया सीटी मार गाने पर। देखो फिर सीटी मार रहा। अब जब से ये सुबह से गाना सुना है तब से ऐसे ही कर रहा है, सीटी मार खूब मस्ती कर रहा है सीटी मार गाने पर। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको कल के ब्लॉग में। तो आज का दिन तो बस ऐसे ही रहा था, तो फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं और दिखाते हैं कल का क्या सीन है। जो भी साथ मेरे साथ होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं फिर आपको कल के ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में इतना ही। गुड बाय।